गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी। मैं हूं सतीश कुमार तिवारी और मैं लाता हूं रोज के करेंट अफेयर अपडेट्स जो महत्वपूर्ण है उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें करेंट अफेयर संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विकास सबनिस का निधन हो गया है, वे कौन थे? इसका उत्तर होगा कार्टूनिस्ट। स्वर्गीय विकास सबनिस पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे और उन्हीं का निधन 69 वर्ष के आयु में मुंबई में हो गया है। विकास सबनिस बाल ठाकरे और आर के लक्ष्मण से प्रेरित थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा राजीव कुमार। हाल ही में राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। चूँकि यहाँ बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। हाल में यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीट 294 है, लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा चीन। हाल ही में चीन ने अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया है। इस रॉकेट को चीन ने हैनन प्रांत में स्थित वेन चांग स्पेस लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया है। यह चीन का तीसरा प्रयास था जिसमें वह सफल रहा है। इस चीनी रॉकेट का एक और नाम है जो है CZ-5। इससे चीन ने एक चीनी संचार उपग्रह CZ-20 अंतरिक्ष में स्थापित किया है। चूँकि यहाँ बात चीन की हुई है तो आइए जानते हैं चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा रेन मिनवी है। हाल में यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रतिष्ठित लेखक दा चेन का निधन हो गया है? इसका उत्तर होगा चीन। दा चेन चीन के प्रतिष्ठित लेखक थे और उन्हीं का हाल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटर सीडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे किस देश से संबंधित हैं? इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। पीटर सीडल ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने लगभग 67 मैचों में 221 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच इस साल ही एशेज सीरीज में ब्रिटेन के साथ खेला था और उन्होंने ही बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान संन्यास लेने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के किस पूर्व कप्तान को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर होगा क्लाइव लॉयड। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने क्लाइव लॉयड को नाइटहुड की उपाधि देने की घोषणा की है। वे वेस्ट इंडीज के चौथे खिलाड़ी होंगे जिनको यह उपाधि दी जा रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी महिला गेंदबाजी रैंकिंग में राधा यादव कौन से स्थान पर रही है? इसका उत्तर होगा दूसरा। हाल ही में ICC महिला गेंदबाजी रैंकिंग जारी की गई है जिसमें राधा यादव दूसरे स्थान पर रही हैं, दीप्ति शर्मा 5वें और पूनम यादव 6ठे स्थान पर रही हैं। आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो का PDF फाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो का लाइक करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।